केरला के कुख्यात गैंगस्टर अमरप्रीत समरा उर्फ चकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को वैंकूवर में उस वक्त अंजाम दिया गया जब अमरप्रीत समरा अपने भाई रविंदर के साथ एक शादी में शिरकत करने के लिए पहुंचा था। जैसे ही वो शादी समारोह से बाहर निकला तभी अज्ञात शूटर्स ने उसे गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी। अब इस पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड के पीछे ब्रदर्स कीपर्स गैंग का हाथ है। कनाडा के मशहूर गैंगस्टर अमरप्रीत समरा की हुई हत्या। अमरप्रीत शादी समारोह में हुआ था शामिल। बाहर निकलते ही हमलावरों ने बरसा दी ताबड़तोड़ गोलियां। ब्रदर्स कीपर्स ग्रुप ने इस हत्या को अंजाम दिया। रविवार यानी 28 मई 2029 की रात करीब 1:30 बजे कनाडा के वैंकूवर में तब गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई जब वो एक शादी समारोह में डिनर और डांस के बाद फ्रेशर व्यू हॉल से बाहर निकला था। भारत के साथ एक बहुत बड़ी फैसला कुन जंग हमारी आने वाली है। कुछ पर इतराज करते रहते हैं कि आप हर वक्त जंग जंग करते रहते हैं। सारे के सारे ISI फंडेड खालिस्तानियों की खबरें अब कनाडा से भी आने लगी हैं। वहाँ पर भी इन सब के विकेट गिरने लगे हैं। वहाँ पर भी एक एक करके धर धर दबोचे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। तो समझ में पाकिस्तान को भी आ रहा है, ISI को भी आ रहा है और जितना ही खालिस्तानी टोला है इन सबको भी समझ में आ रहा है कि गुरु गलत पंगा तो ले लिया। एक तरफ तो पंजाब में पहले कई पंजाब में काफ़ी दिन आते फिरते थे, काफ़ी काम चलता रहता था, अलग अलग तरीके के लोगों को भड़काना, लोगों को बरगलाना, लोगों को ब्रेन वॉश करना अपने ही देश के खिलाफ, ये सब चीज़ें चलती रहती, ये लोग करते रहते थे। अब भारत के अंदर भी हम देखते रहते हैं कभी कभी कुछ कुछ महीनों में खबरें, भारत के अंदर हालांकि बहुत धीमे खबरें आती हैं लेकिन पता चलता रहता है कि इधर पकड़ लिया गया, उधर किसी को पकड़ लिया गया। लेकिन अब खबरें जैसे जैसे वहाँ से आ रही हैं, ज़रूरी है कि UK से भी खबरें आएँ, ऐसी जैसी भी कनाडा से खबरें आई हैं, बहुत ज़रूरी है UK से भी ऐसी खबरें आएँ और अमेरिका से भी ऐसी खबरें आएँ, जहाँ जहाँ यूरोप के अन्य देशों में जहाँ जहाँ पर भी इनका पूरा पूरा नेटवर्क छुपा है देश तोड़ने वाले लोगों का, हर जगह से ये लोग पकड़े जाने चाहिए, चाहे वो खालिस्तानी हो। और इधर आप देखो मणिपुर के मामले में भी कई काफ़ी सारे लोग हैं दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठे हैं, हर तरफ से लोग पकड़े जाने। आज विभाग बात सात समंदर पार कनाडा में भारत वंशी गैंगस्टर के कत्ल की, उसी मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अमरप्रीत समरा उर्फ चक्की के कत्ल की कहानी, जो शुमार था यूनाइटेड नेशन यानी UN के टॉप 10 मोस्ट वांटेड की ब्लैकलिस्ट में। उसी वक्त ब्रदर्स कीपर्स ग्रुप के गुंडों ने उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना रात करीब 1:30 बजे की बताई जाती है। घटना के वक्त अमरप्रीत अपने भाई रविंदर के साथ शादी समारोह में शामिल होने पहुंचा था। हमलावरों ने सबूत मिटाने के लिए उस गाड़ी को भी आग लगा दी। ब्रदर्स कीपर्स ग्रुप से लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। घटना के बारे में कनाडा पुलिस की महिला अधिकारी तानिया बिसिनटिन ने कहा कि पुलिस हेल्पलाइन पर रात करीब 1:30 बजे फोन आया, तब घटना की जानकारी मिली। गोलियों से बुरी तरह जख्मी अमरप्रीत को CPR देकर बचाने की कोशिशें की गई थी लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस हत्याकांड से ही ये सनसनीखेज बात भी निकल कर सामने आ रही है कि पंजाब में गैंगस्टर बात फैलाने वालों ने अपनी गतिविधियां विदेशी धरती पर भी शुरू कर दी हैं। इधर भारत में मौजूद पंजाब पुलिस के उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो रविंद्र समरा और ढेर हो चुका उसका भाई अमरप्रीत अमेरिका और कनाडा में होने वाली नशे की तस्करी में बीते लंबे समय से घुसे हुए बताए जाते हैं। दोनों भाइयों के अपने प्रतिद्वंदी गैंग्स जैसे कि ब्रदर्स कीपर्स ग्रुप, BK वोल्फ पैक और रेड स्कॉर्पियन ग्रुप के साथ धंधे में जबरदस्त दुश्मनी चलती आ रही है। नून लीग के जरिए नहीं, इमरान के जरिए नहीं, अल्ताफ हुसैन के जरिए नहीं, अचकजई और फजलू के जरिए नहीं, पाक फौज के जरिए। आपका होना, सिर्फ इस पाक फौज का होना ही अपनी ड्यूटी कर रहा है कि ये पाकिस्तान आज सलामत है कि आप इसमें रहते हैं। और जब इस पाक फौज के साथ ज्यादती की गई, जब इस पाक फौज को अपनी कौम ने मारा, जब इस कौम ने पत्थर मारे, इस कौम ने इसको धकेला, दुश्मनों की साजिशों के नतीजे में कौम को भड़का दिया गया इसके खिलाफ, तो फिर मशरकी पाकिस्तान का सानहा हुआ। हमारी पाकिस्तानी कौम गौर से सोचे कि हम कहाँ गलत हो गए। ये पूरे मीडिया को देख लीजिए, आप हमारी पॉलिटिकल डिस्कोर्स को देख लीजिए, असल इशू की तरफ कोई बात ही नहीं कर रहा। अभी भी ये उसी गुमराही और जलालत और रसवाई और जिल्लत में डूबे हुए हैं जिसकी वजह से यहां तक पहुंचे हैं। मसले का हल कोई नहीं आइडेंटिफाई करना चाह रहा। मसले का हल बिल्कुल वाज़े था, वो करारदादे मकासद में लिखा हुआ है। थीफ, शी इज़ अ थीफ, शी हैज़ स्पॉइल्ड कश्मीरी चिल्ड्रन। जिस कश्मीरी बच्चे को, मैं कश्मीरी मुसलमान बच्चे की बात कर रहा हूं, ठीक है,
जिस कश्मीरी मुसलमान बच्चे को डॉक्टर बनना चाहिए था, इंजीनियर बनना चाहिए था, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना चाहिए था, आर्मी ऑफिसर बनना चाहिए था, वकील बनना चाहिए था, जिसको अपना स्टार्टअप चलाना चाहिए था, जिसको सॉफ्टवेयर कंपनी खोलनी चाहिए थी, जिसको बोलना ये था कि मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में ला रहा हूं, किस तरीके से कश्मीर में टूरिज्म आए, किस तरीके से कश्मीर जो है वो दुनिया में शाइन करे, अपनी हिफाजत, जान माल, इज्जत, आबरू और सलामती के लिए। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने, एतराज करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने आज तक कौन सा इलाका फतह किया है। पाकिस्तान आर्मी ने वो इलाका फतह नहीं किया, लेकिन इस पाकिस्तान को 75 साल बचा के रखना ही बजाते खुद एक इतना बड़ा कारनामा है कि दुनिया का कोई मुल्क बाकी नहीं रह सकता था उन खतरात के सामने जो पाकिस्तान को दरपेश थे, और वो अल्लाह ने सिर्फ पाक फौज के जरिए इस पाकिस्तान को बचाया, पीपल्स पार्टी के जरिए नहीं। यूनाइटेड नेशंस में जा, तेरे को जो करना है बेटा वो करना है कर, और अपने साथ बिल्लो को जरूर ले जाना, ठीक है? रुदाली नंबर वन बिल्लो, बिल्लो को भी ले जाना, ले जा बिल्लो को, देखते हैं क्या कर लेते हो तुम। तुम्हारे सामने मारेंगे, तुम्हारे सामने टांगेंगे यासीन मलिक को, सबके सामने, ठीक है? देख लेना तुम। बोला कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या? तुम्हारा नाता क्या हम बताते हैं? नाता फांसी के फंदे का है तुम्हारे पति का, ठीक है? और कश्मीरी खुश हैं तुम्हारे हस्बैंड जैसा नासूर चला गया। किसी भी लम्हे मोदी बॉर्डर क्रॉस कर सकता है, और हमारा सारा जो हमारा ईस्टर्न, हमारी सारी आबादी जो है वो इंडियन बॉर्डर के साथ साथ रहती है, सारा पंजाब हमारा इधर मेन पॉपुलेशन सेंटर्स है। आपके ख्याल में अगर इंडियन इन्वेजन होती है तो ये पॉपुलेशन सेंटर्स, इनका क्या हाल होगा, इनकी आबादी कहाँ जाएगी, कैसे सर्वाइव करेगी? ये सारी कौम अल्लाह से उसी अजाब को तलब कर रही है जिस किस्म की जलालतें हमारी अशराफिया कर रही है इस वक्त। पाकिस्तान बेशक एक तहरीक से बनाया गया, इसलिए कि वो मक्की दौर था, उसमें जंग करने का सवाल ही नहीं था। पर तुम लोगों ने क्या करा? कलम नहीं पकड़ा, तुम लोगों ने पत्थर पकड़ा दी, AK-47 पकड़ा दी बच्चों के हाथ में, और खुद वहां पे ऐश कर रहे हो ISI के पैसे से। अभी रुक जाओ बेटा, तुम्हारा पति निपटेगा, तुम चिंता मत करो। बहुत खुजली हो रही है ना तुम्हें। अच्छा दोस्तों, एक खबर इंडिया से है कि अहेड ऑफ पीएम मोदीज विजिट, यूएस हाउस पैनल सजेस्ट नेटो प्लस स्टेटस फॉर इंडिया। ये जो यूएस हाउस पैनल है, इसने बोला है कि नेटो जो है ना, नेटो को हम नेटो प्लस स्टेटस दे दें इंडिया को, और By including India and the 5-member grouping to win the strategic competition with the... ये क्या बिलावल कौन है? क्या credential है बिलावल का? सारी जिंदगी में उस शख्स ने एक दिन काम नहीं किया, कोई हलाल का पैसा नहीं है इसके पास, नसल दर नसल हराम खा के बाप दादा जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा, पाकिस्तान की मईशत तबाह की भुट्टो ने, पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमारी नेशनलाइज करके पूरे पाकिस्तान को 25 साल पीछे धकेल दिया एक रात में। अब वो सिर्फ इसलिए दुनिया में जाके सिर्फ यही अपने credential बताता है कि मेरे नाना को फांसी दी और मेरी माँ को दहशतगर्दों ने मार दिया, इसलिए मुझे पाकिस्तान का हुक्मरान बना दो। देखा सर, यूएस चाहता है कि इंडिया को मजबूत करें, क्योंकि उनको लगता है कि भारत चीन से अच्छी तरीके से लड़ सकता है, ये इनका एम है। पर जब भारत, अभी तो भारत थोड़ा बहुत अमेरिका के क्लोज है, जब भारत अमेरिका के क्लोज नहीं था तब भी चाइना से लड़ रहा था। 62 में हमने लड़ाई लड़ी, 67 में हमने लड़ाई लड़ी नाथुला पे, तब तो अमेरिका का ही नहीं था। तो हमें अमेरिका की जरूरत नहीं चीन से लड़ने के लिए। हाँ, इसके प्लसेस हैं, इससे माइनसेस हैं। एक और खालिस्तानी आतंकवादी जो है उसको ढेर कर दिया गया है कनाडा के अंदर। अब हम देख रहे हैं जिस तरीके से भारत के अंदर भी कुछ एक चीज़ों पे एक्शन होते हुए नज़र आते हैं, दुनिया भर में भी। अब तो कनाडा जो कि सेफ होम था, सेफ हेवन माना जाता था कि कुछ भी करो भारत में जा करके वहाँ बस जाओ, कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी दिक्कत जो मैं यहाँ पर कहूँ, चलो एक पहले तारीफ की बात कर लेते हैं, एक अच्छा काम यह है कि भारत सरकार ज़्यादा जोर दे रही है और कनाडा जैसे देशों पर भी दबाव बना, क्योंकि सबको पता है कनाडा पर अगर और भारत सरकार ढंग से दबाव बनाना चाहे तो भारत सरकार बहुत अच्छे से दबाव बना सकती है, और उनको माननी भी पड़ेगी। दबाव बनाने के बाद उनको माननी भी पड़ेगी, वो मानेंगे कि कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कैसे चीज़ों को ठीक नहीं करना, और सब एक एक खुद ही वो लोग पकड़ पकड़ के आपके हवाले कर देंगे, या फिर वो भी निपटाने की क्षमता रखते हैं, बस आप दबाव बनाओ। तो हालांकि वो काम चालू भी हो रहा है, वैसा भी नहीं कि ये लोग खुलेआम घूमते हैं, ये लोग भी छुपते फिरते हैं, जितने इस तरह के आतंकवादी हैं छुपते फिरते हैं। और छुपते फिरने से ज़्यादा एक बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग हर तरफ हैं, आप देखो कुछ लोग हर तरफ हैं जिनके सेंटीमेंट हर्ट हो जाएंगे कि लोग खाली हमारे लोगों की ढूंढ ढूंढ के क्यों मारा जा रहा है, इसको क्यों नहीं मारा उसको, तो सबके कहीं ना कहीं, अब देखो किसी न किसी का एक्सीडेंट, जैसे विकास दुबे का एनकाउंटर, तो कहीं ना कहीं उसमें भी लोग, कहीं ना कहीं किसी आतंकवादी को भी निपटाओ तो कुछ लोग का सेंटीमेंट हर्ट हो ही जाता है, वो स्वाभाविक सी बात है। वो भी एक कारण है जिसकी वजह से, क्योंकि सबको पता है, भारत सरकार को पता है कौन कौन से लोग कहाँ दंदनाते फिर रहे हैं, उसके बाद भी इतना एक्शन सर्वे नहीं लिया जाए। अब होता हुआ हालांकि दिख रहा है, संभवतः ऐसे और भी इनकाउंटर और भी चीज़ों के मामले और आगे हमको सुनने मिलेंगे। अब
दूसरी चीज़ कि जितने भी इस प्रकार के हैं इनमें से ज़्यादातर के अभी भी परिवार यहीं भारत में मौजूद हैं, यहीं पंजाब के अंदर और अलग अलग शहरों में भी, कुछ दिल्ली मुंबई में भी कुछ प्रॉपर्टी होगी, उन्हें ज़्यादातर प्रॉपर्टी लोग अभी भी यहीं प्रॉपर्टी परिवार सब यहीं मौजूद है। तो यहाँ से भी नकेल कसी जाए तो फिर जितने इस प्रकार के ड्रामे होते हैं, देश को तोड़ने की बातें होती हैं, मणिपुर में आप देख लो, मणिपुर में किस तरीके से, मणिपुर में बड़ा एक्शन हुआ है, मणिपुर में भी हमने देखा बड़ा एक्शन हुआ है, कितने आतंकवादियों को, तकरीबन 30 से ज़्यादा आतंकियों को ढेर किया गया। तो ये सब चीज़ें अपने समय के साथ चल रही हैं, लेकिन थोड़ा सा और तेज़ी से काम हो तो और बेहतर हो सकता है।